हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम कवर करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि बेस्ड है सिविल सर्विस पे। तो हम सिविल सर्विस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो लेक्चर नंबर 36 जो होगा, यानी कि सिविल सर्विस का फर्स्ट लेक्चर, वो बेस्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सिविल सर्विस पे, राइट? यानी कि सिविल सर्विस से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, क्या क्या प्रोविजन दिए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड यू कैन जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सिविल सर्विस, राइट? नाउ व्हाट इज सिविल सर्विस? आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, सिविल सर्विस होती क्या है? तो बेसिकली सिविल सर्विस नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है IAS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट IAS इज नॉट द ओनली सिविल सर्विस, IAS इज अ सिविल सर्विस, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि ये एक सिविल सर्विस है, राइट? है एक, बट इट इज़ नॉट द ओनली सिविल सर्विस। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है ऑल इंडिया सर्विस, एक होती है सेंट्रल सर्विस। दोनों के दोनों मिल करके सेंट्रल सिविल सर्विस, दोनों के दोनों मिल करके क्या बनती है? सिविल सर्विस ऑफ इंडिया बनती है। तो पहले स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑल इंडिया सर्विस, सेकेंड स्लाइड में हम देखेंगे कि सेंट्रल सिविल सर्विस क्या होती है। बात करें ऑल इंडिया सर्विस की, सो ऑल इंडिया सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आप समझिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पढ़ते हैं जो कि यूनिटरी फीचर्स हैं अपने आप में, तब आप देखेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस एक ऐसा फीचर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, बट काम किस में करता है? ये जाके स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है। दैट मीन्स ऑल इंडिया सर्विस आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा रिस्पेक्टिव स्टेट्स की अपनी अपनी सर्विसेज होती है, स्टेट सर्विसेज होती हैं और सेंटर की सेंट्रल सर्विसेज होती है, बट इनके अलावा कॉमन जो होती है उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में तीन चीज़ें आती है, तीन सर्विसेज आती हैं। फर्स्ट है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है IFS, दैट मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, राइट? तीनों के तीनों एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है इन सर्विसेज में, राइट? UPSC वो कंडक्ट कराती है इनका एग्ज़ाम, और उसके सिलेक्शन के बाद आपको इसमें कैडार मिल जाता है सर्विसेज के अंडर। कैडार जो वो आपको स्टेट में मिलता है, राइट? तो दैट मींस आपको अपॉइंट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, लेकिन आपको काम किस में करना पड़ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट में करना पड़ रहा है। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 के, आर्टिकल नंबर 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आर्टिकल ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा टू दैट इफेक्ट। आर्टिकल 312 कहता है कि मान लीजिए कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर अप्रूव कर देती है, राइट? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे एक्ट बनाएगी ताकि एक नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जा सके। ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो इट कॉन्ट्रीब्यूटेड जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इनकी जो सैलरी होती है, जो यहाँ पर ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरीज, पेंशन, ये दोनों के दोनों स्टेट देते हैं, बट उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगर करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दैट मीन्स स्टेट पे करेगी सैलरी भी और पेंशन भी, बट उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है? ऑल इंडिया सर्विस का कंसेप्ट आई होप आपको जनरल जो है वो समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल है क्या। डिटेल में हम जैसे जैसे सिविल सर्विस के चैप्टर पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होते हैं, वो हम जैसे जैसे लेक्चर आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी, राइट? बट जनरल इस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑल इंडिया सर्विस। बात करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस की। सेंट्रल सिविल सर्विस आर कंसर्न डायरेक्टली विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड परमानेंट ब्यूरोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स डायरेक्टली सेंटर से रिलेटेड है, सेंटर से ही कंसर्न है सेंट्रल सिविल सर्विस। इसमें आता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, राइट? और सेंट्रल सिविल सर्विस अलॉन्ग विद द ऑल इंडिया सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सेंट्रल सिविल सर्विस प्लस में ऑल इंडिया सर्विस, राइट? स्टेट सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के अंदर, वो क्या हो जाएंगी? स्टेट की हो जाएंगी। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो कुछ आर्टिकल को यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, बाकी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 309 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 309 कहता है कि
अगर मान लीजिए कि सेंट्रल, ये बात करते हैं सेंट्रल सर्विसेज और पोस्ट से, सेंट्रल सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विस से बात करता है, ये कहता है कि इस एक्ट, इस आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सेंट्रल सर्विसेज में जो पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे उनके रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन को पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो सेंट्रल सर्विस से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन बना सकती है, इसको रेगुलेट कर सकती है। आर्टिकल 310 कहता है कि जो ऑल इंडिया सर्विस है या सेंट्रल सर्विस है, दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट, दैट मीन्स प्रेजिडेंट विल अपॉइंट देम, फाइन। आर्टिकल 311 कहता है दैट नो मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाई एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट by which he was appointed, कि जिस अथॉरिटी के द्वारा वो अपॉइंट किया गया है उससे कम अथॉरिटी वाले पर्सन उसको डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रिमूव कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। नो सच मेंबर शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी। समझिए कि मान लीजिए किसी पर्सन, कोई पर्सन गिल्टी है, ऑफिसर है, तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, या तो उसको डिसमिस कर दिया जाए, जॉब से डिसमिस कर दिया, या उसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, या उसकी रैंक रिड्यूस कर दिया जाए, पहले हायर पोस्ट पे था अब लोअर पोस्ट पे आ गया। तो ये सारे क्या होते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं। बट कोई भी ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक एक अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है तो सबसे पहले इंक्वायरी करो, इंक्वायरी जिस पर्सन के खिलाफ इंक्वायरी बैठाई जा रही है उस पर्सन को इन्फॉर्म करो और उसको प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो अपने आप को सही गलत साबित करने की, राइट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दी जानी चाहिए, फाइन। आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी of being heard in respect of those charges. I hope it is clear to you. Article 309, 310 and 311, right? बात करते हैं आर्टिकल 312 की। इट वो हमने पहले देख लिया था, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, की राज्यसभा उसको कहेगी तब जा करके एक नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जा सकता है। आर्टिकल 323A की बात करते हैं। दिस आर्टिकल डील्स विद दिस आर्टिकल ऑथराइजेज द पार्लियामेंट to provide for the setting up of an administrative tribunal for the adjudication or trial or of disputes in complaint with respect to recruitment and service condition of persons appointed to central service and post. कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई डिस्प्यूट, कोई कंप्लेन है, तो उसके लिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को सेटअप कीजिए। ये अथॉरिटी दे दी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप सिविल सर्विस से रिलेटेड मैटर को कंप्लेन को सुनने के लिए आप अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना दीजिए। आर्टिकल 335 कहता है कि SC ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो क्लेम हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा ड्यूरिंग मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सेंट्रल सर्विसेज एंड पोस्ट, राइट। तो ये सारे प्रोविजन हैं। अब इनके रिगार्डिंग कैसे सिविल सर्विस पे मेंबर, सिविल सर्विस में मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, क्या उनके डिसिप्लिनरी एक्शन है, क्या उनके प्रोविजंस है, उनको सैलरी, उनके अलाउंसेस क्या है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला था वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।